प्रतिनिधि का सम्मान सूचक होती है पगड़ी। मैं अपने नाड़ कटवाऊंगा इस बड़ौदा हल्का की पगड़ी के शान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप इतनी ज्यादा संख्या में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा एहसान किया है, मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है इतना बड़ा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका, भी स्वागत करता हूँ। बुजुर्ग दोस्तों, मैंने इलेक्शन लड़े भी हैं और लड़वाए भी हैं। मैंने खुद 2009 का और 2014 का चुनाव लड़ा था। मैंने ऐसा इलेक्शन जो आज 2024 में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, किसी नेता ने भी नहीं देखा होगा ऐसा चुनाव। चमन के चमन गांव में, ये आखिरी गांव था, चमनमा गांव था महसवाड़ का, एक से बढ़कर आशीर्वाद देने का काम किया है हर गांव की 36 बिरादरी ने। और आज आप देख रहे हो पूरे बड़ौदा हल्का की सरदारी को आज भी और सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने का आप लोगों ने काम किया है। बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे साथ अन्याय हुआ था, मैं न्याय के लिए आपके बीच में आया था और आप लोगों ने, पहले तो मैं न्याय मांगता था आपसे, आज आप लोगों ने मेरे को न्याय दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जोड़ी पसार के चमन के चमन गांव में न्याय मांगने के लिए आपके बीच में आया था, लेकिन आज मेरी आप लोगों ने झोली भर दी न्याय देके और मुझे विधानसभा में भेजने का काम भी कर दिया। आज की जो हाजिरी है, आज का उत्साह है, आज का प्रेम है, आपका आशीर्वाद है, वो देखिए। बुजुर्ग दोस्तों, 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, भाई भी आए हुए हैं, चाचा ताऊ भी आए हुए हैं। बुजुर्ग दोस्तों, अरे भैया ये बुजुर्ग दोस्तों, 36 बिरादरी के मेरे भाई भी आए हुए हैं, सारे सभी मेरे बुजुर्ग भी आए हुए हैं और सबने बहुत बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं बुजुर्ग दोस्तों, मैं तो ना बीजेपी का नुमाइंदा हूं ना कांग्रेस का नुमाइंदा हूं, मैं तो इस बड़ौदा हल्का की जनता का नुमाइंदा हूं जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। अंतरात्मा की आवाज से, आत्मा की आवाज से इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, कहते हैं बुजुर्ग दोस्तों, आत्मा सो परमात्मा, और आज आत्मा और परमात्मा दोनों मिले हुए हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। बुजुर्ग दोस्तों, मेरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, बीजेपी ने नहीं दिया कोई बात नहीं, बसपा ने नहीं दिया कोई बात नहीं, किसी पार्टी ने नहीं दिया, मैंने तो मांगा एक कदा लेकिन किसी ने नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब, आप लोगों ने जो टिकट दी है मेरे को, उसका मैं सदा आभारी रहूंगा, और अपने परिवार के बच्चों को, अपने भाइयों को ये कहता हूं बुजुर्ग दोस्तों, अगर कोई बात हो जाए, उपचुक हो जाए मेरे साथ, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को ये कह के मरूंगा कि भाई अपनी खाल की चमड़ी अगर बनवा के, खाल की चमड़ी के, अपनी खाल की चमड़ी बनवा के और जूते बनवा के अगर पहनाओगे तो जब भी इस बड़ौदा हल्का की सरदारी का एहसान नहीं करेगा मेरे ऊपर। बुजुर्ग और दोस्तों, आप लोगों के इस प्यार प्रेम के सामने मैं बिल्कुल आपसे फिर से एक बात और कहना चाहता हूं। आने वाली 5 तारीख को सेव के सामने वाले बटन पर बटन दबा के मुझे विधानसभा में भेजने का काम कर देना,
मैं पिछले 25-30 साल से आपके सुख दुख का साथी रहा हूं और चुनाव भी लड़े हैं। मैंने इस बड़ौदा हलका की हर समस्या का पता है, कहां सूखाग्रस्त है, कहां पानी नहीं है, कहां गलियां नहीं है, कहां सड़क नहीं है, कहां हॉस्पिटल नहीं है, कहां स्कूल नहीं है। सबसे बड़ी बात मेरे इन बेरोजगार भाइयों के लिए, इस बड़ौदा हलका में एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और कहीं भी इस बड़ौदा हलका में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों और दोस्तों को और प्यारे नौजवान भाइयों को बेरोजगार के बारे में बताना चाहता हूं कि यहां से अगर IIMT वगैरह बनवाने का काम करेंगे, अगर आपने विधायक भेज बनाने का काम किया और बड़ौदा हलका के हर बच्चे को रोजगार देने का काम करेंगे, अगर आपकी जमीन IIMT में एक्वायर जाएगी, हाईएस्ट क्लास का पैसा मिलेगा और सारी जितनी भी सुविधाएं होंगी, जहां लगेगी उस एरिया के लोगों को और पूरे बड़ौदा हलका के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। बुजुर्ग दोस्तों, आपके बीच में हार में बुखलाहट हो कि कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे पे पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं और एलिगेशन लगाने का काम भी किया है। बुजुर्गों दोस्तों, मैंने सच्चाई की राजनीति की है, झूठ की राजनीति कभी नहीं की। पिछले 30 साल से मेरे बस का काम होया तो मैंने कह दिया, नहीं तो मैंने कभी भी हां नहीं की के भी। और एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं बुजुर्गों दोस्तों, अगर पूरे इस गोहाना सबडिविजन में, सोनीपत जिले में, यहां तक का ही आना जाना है मेरा, अगर एक आदमी भी कोई ये कह दे कि डॉक्टर कपूर सिंह ने किसी का एक पैसा ले लिया, किसी का मकान घेर लिया, किसी का कुछ कर लिया, तो जरूर दोस्तों मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपने घर बैठ जाऊंगा, आपको राजनीति से सन्यास ले लिया। भाई कपूर सिंह ने भाई की, ये पार्टियां बौखलाहट में, हार की बौखलाहट में अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाने का काम कर रही है। तो बुजुर्गों दोस्तों, इनसे गुमराह ना होना। ये भाई उपेंद्र कह रहा था कि भाई यूं कहे घर की बहिर काका लेखनिया। बुजुर्गों दोस्तों, ये बहिर बड़ौदा हलका की होगी और बड़ौदा हलका ही लिखनिया होगा इसका। आपने कहीं भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने विधायक बना दिया, चमन के चमन गांव की चौपाड़ों में जाके आपके काम करने का काम करूंगा। समस्या का आपका हर दिक्कत का पता है, तो मैं आप लोगों से दोबारा फिर एक बात कहना चाहता हूं, ये जो लोग आएंगे गुमराह करने के लिए, इनसे बच के रहना। और 5 तारीख को सुबह नहा धो के राम के नाम लेके सारे लाइन में लग जाना, कोई रिश्तेदारी में जा रहे हो तो उसको भी बुला लेना। बैठ जाओ, 2 मिनट की और बात रहेगी भाई। भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, कार्ड लियो, आधे घंटे पास आधार कार्ड लियो, बैठ जाओ भाई। बुजुर्गों दोस्तों, मैं तो अपनी जोड़ी पसार के आपके सामने भीख की गुहार करने आया हूँ पूरे बड़ौदा हलका के लिए, खासकर महसवा गांव में। मेरी माँ महसवा गांव की थी, मेरी माँ की जन्म सत्री थी और मैं इस जन्म सत्री को कर्म सत्री के रूप में बदलने का काम करूंगा। मेरी माँ, मैं तो अगले जन्म में भी ये कहूंगा कि मेरे को महसवा गांव का ही भांजा बना दो, मेरी माँ इतनी बड़ी आती जो तो। और बुजुर्गो दोस्तों, मैं अपनी माँ गुजरगी मेरी, मेरा बाप गुजर गया, ये सामने बैठी महसवाड़ की जनता मेरा बापू और माँ है मेरी। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि आने वाले 5 तारीख को मुझे विधानसभा भेजने का काम कर देना। दोस्तों, आप इतनी संख्या में आए हो, आपका धन्यवाद। आपने तो फूल मालाओं से, पैसों से और पगड़ी से जो मान सम्मान किया है, मैं उसका धन्यवादी हूं। और
पूरे बड़ौदा हल्का की जनता से एक बात कहना चाहता हूं बुजुर्ग दोस्तों, जो आपने ये पगड़ी मेरे सर पे पहनाई है, 36 बरादरी का सम्मान सूचक होती है पगड़ी। मैं अपने नाड़ कटवा लूंगा इस बड़ौदा हल्का की पगड़ी के सामने, कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप इतनी ज्यादा संख्या में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।